अच्छा बच्चे, स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी, इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर डिस्कशन रिगार्डिंग द चैप्टर नंबर 4 ऑफ योर बुक दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ पाकिस्तान बाय एसए भट्ट। इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द टॉपिक दैट वाज ट्रस्टीशिप ड्यूटीज ऑफ द बोर्ड। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अनदर टॉपिक दैट इज बॉर्डिंग पावर्स ऑफ अ बोर्ड। इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक वी जस्ट वांट टू नो दैट powers that a board can borrow from the shareholder. It is just like that the shareholders of the company cannot be available all the time within the company. As we have already discussed that in Pakistan scenario, mostly the shareholders are individual. As long as the institutional investors are concerned, in the foreign countries we may say that in even for the institutional investors, it is not possible to be attentive, to be involved in the matters of the company on the time. Yani jab bhi hum kahenge ki wo company ke mamlaat chal rahe hain, to haan unhone paise invest kar diye, but they are more concerned about the profitability. Wo profit ke upar zyada dhyan de rahe hain, unhone profit create karna hai, lekin management is not the core duty of the shareholder. They are expecting board to perform that duty. Ab jab board ne unse कहा कि सर ये काम करना है, आपकी अप्रूवल चाहिए, सर ये काम करना है, सर आपकी अप्रूवल चाहिए, तो एट दैट टाइम द मेजर शेयर होल्डर्स कैन गेट फेड अप ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन एंड दे मे से दैट सर वी आर रेडी टू प्रोवाइड यू द अथॉरिटी टू टेक द डिसीजन। यानी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही कहेंगे कि आप ऐसा करें कि आप डिसीजन ले लिया करें, एंड लेटर ऑन यू मे टेल अस दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ डिसीजन यू टुक एट द टाइम एंड इट वाज रिक्वायर्ड। यानी क्या डिसीजन लिया, क्या जरूरत थी, तो क्या कहते हैं इस किस सिनेरियो में किस सॉर्ट ऑफ ड्यूटी आपको लगा या किस सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी में आपको ये बात फील होने लगी कि नहीं हम ये ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकते, या हम क्या कह सकते हैं कि हमारी इन्वॉल्वमेंट पॉसिबल नहीं है। आप चाह रहे थे कि आप डिसीजन लें लेकिन शेयर होल्डर उस तक अवेलेबल नहीं थे। So all the circumstances, all the matters, all the particular activities will be discussed with the shareholder, and later on the shareholders will give the power to the board. That power will not be rewarded to them, will not be awarded to them, will not be given to them as their right. It will be just like a borrowing. Borrowing means that you will have to return it back to the shareholder whenever it will be required. यानी कहने का मतलब यह है कि आपने borrow किया हुआ है। It is not your ultimate power or it is not your ultimate authority, equity, जिसे आपने कभी वापस नहीं करना। Borrowing means that you took certain thing for a time being and whenever the duty or the requirement will be fulfilled, you will return that thing. तो इसी तरह बोरिंग पावर्स ऑफ द बोर्ड में भी यही है कि जब बोर्ड को लगे ऐसे मामला कि जिसमें हमारी इनसाइट या हमारी डिसीजन मेकिंग चल सकती है, तो वो शेयर होल्डर से पावर बोरो कर लेते हैं कि मेजर सर काम ये आपका है, लेकिन चूंकि आपकी इन्वॉल्वमेंट पॉसिबल नहीं होगी, तो आप हमें ये पावर या अथॉरिटी या ड्यूटी दे दें कि हम ये डिसीजन ले लें, और शेयर होल्डर ऐसी पावर्स को ऐसी ड्यूटी को दे देते हैं। नाउ द क्वेश्चन विल कम के सर ऐसे कौन से मामला हैं या कौन से मैटर्स हैं जिसके लिए आपको लगता है कि बोर्ड को पावर दे देनी चाहिए, कोई एग्जांपल बता दें। लेट्स सपोज कि कंपेटिटर ने अचानक से आप प्रोडक्ट की प्राइस 5 रुपए कम कर दिया। लेट्स सपोज पेप्सी और कोक की एग्जांपल ले लेते हैं कि कोक ने अचानक से अपनी प्राइस 5 रुपए कम कर दिया। अब उसमें फौरी तौर पर उनकी सेल क्या हो रही है, बढ़ने लग गई, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट की प्राइस एज कम्पेयर टू पेप्सी कम थी, कस्टमर उसी की तरफ फौरन ही चलने लग गए। अब इस सूरत हाल में अगर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहें कि जी हम अपनी प्रोडक्ट की प्राइस कम करते हैं, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पेक्ट क्रिएट होगा। बट एट द सेम टाइम दे आर ऑब्जर्विंग द सिचुएशन कि अगर हमने ऐसा नहीं किया और तो कोक की सेल बढ़ जाएगी और फिर हमें लॉस बियर करना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत हाल में इस किस्म के सिनेरियो को शेयर होल्डर्स के साथ डिस्कस किया जाता है और उन्हें बता दिया जाता है कि सर जब भी हमें ज़रूरत होगी तो हम डिसीजन मेकिंग कर डिसीजन ले लिया करेंगे। और जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है सर, अगर ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस या प्रॉब्लम्स आए तो आप वहाँ पे डिसीजन ले लिया करें। ठीक हो गया। सो दैट वॉज द टॉपिक ऑफ योर बोरिंग पावर्स ऑफ द बोर्ड। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अनदर टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ बोर्ड। किस किस्म के बोर्ड होते हैं, क्या क्या उनकी ड्यूटीज होती हैं, क्या वो काम करते हैं, ये सारे मैटर्स
हमारा किस में आता है, क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ बोर्ड में आते हैं। एज लॉन्ग एज द टाइप्स ऑफ बोर्ड इज कंसर्न, द वेरी फर्स्ट टाइप इज योर यूनिटरी बोर्ड। यूनिटरी बोर्ड इज बेसिकली ऑल मेंबर्स हैव इक्वल पावर। इट इज जस्ट लाइक अ बोर्ड इन विच नो वन विल बी कंसीडर्ड एज अ सुप्रीम सुपीरियर, नो वन विल बी कंसीडर्ड एज एन एग्जीक्यूटिव, नो वन विल बी कंसीडर्ड एज द टॉप डायरेक्टर। All the persons, all the members of the board will be at equal level. It means that you have no superiority or any sort of extra power as compared with your colleague member in the board. अब बात ये आती है कि अगर ऐसे किस किस्म का कोई बोर्ड होता है जिसमें तमाम लोगों की इक्वल पावर्स आती हैं, क्या वो बेहतर है या ऐसा बोर्ड नहीं हो सकता, इसकी क्या प्रॉस एंड कॉन्स है। बात सिंपल सी है कि अगर तो तमाम लोगों के पास इक्वल पावर है, फिर उनका एक अल्टीमेट डिसीजन लिया जाता है। उन्होंने कोई एक बात जो तमाम मेंबर जब मान जाते हैं या उनकी वोटिंग होती है, जो उसके बाद उन्होंने कोई डिसीजन मेकिंग करनी होती है, तो वो सारे मानते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि या तो इसमें जो आप ये कह लें कि डिसएग्रीमेंट का जो है जो एक स्टांस है या डिसएग्रीमेंट का जो एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा बूस्ट अप कर सकता है, क्योंकि सबको पता होता है कि ये जो दूसरा बंदा जो डिसीजन ले रहा है कि ये भी मेरे बराबर है, ही हैज द सेम पावर विच आई हैव। तो ऐसी सिचुएशन में यूनिटरी बोर्ड कभी कभी जिसमें फैसले लेने में बहुत देर हो जाती है, क्योंकि कोई अल्टीमेट पावर नहीं होती किसी के पास, डिसीजन मेकिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। और कभी कभी ऐसे भी होता है क्योंकि उसके सबको पता होता है कि एक ही जैसी पावर है, वन पर्सन वॉज रिलक्टेंट टू टेक एनी डिसीजन, बट द सेम पावर और द सेम डिसीजन वॉज टेकन बाय अदर मेम्बर, क्योंकि दोनों एक ही लेवल पे थे, तो दूसरे मेम्बर ने वो डिसीजन मेकिंग कर ली। इसके बाद another type of the board is basically the two-tier board. Under the two-tier board, we have divided the board into two categories. The first one is your upper tier board and second one is your lower tier board. Upper tier board, as the name indicates, it is a superior board as compared to the lower tier board. यानी ये वो group of members होते हैं board के जिनकी superiority होती है। Superiority can be based on the स्ट्रक्चर और कंपोजिशन विद इन द कंपनी, यानी किसी कंपनी के अंदर उनकी कैटेगराइजेशन इस लिहाज की है कि इसकी पावर ज्यादा है, इसकी सैलरी ज्यादा है, इसका जो है ना स्टेटस एग्जीक्यूटिव डेजिग्नेशन ज्यादा है। तो उस बेसिस पे अपर टायर बोर्ड का कॉन्सेप्ट आता है कि जिसमें सुपीरियोरिटी होती है, सुपीरियर सुपरवाइजरी बोर्ड होता है, बाकी तमाम मेम्बर्स को ओवरव्यू कर रहा होता है उनकी एक्टिविटी को, उनको गाइडेंस दे रहा होता है, उनके डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है, उनके लिए गाइडिंग रूल प्रोवाइड कर रहा होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एज लॉन्ग एज द लोअर टायर बोर्ड इज कंसर्न, लोअर टायर बोर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड अ मैनेजमेंट बोर्ड, और वी मे से दैट दीज आर द मैनेजेरियल बोर्ड। मैनेजेरियल बोर्ड क्या होते हैं कि तमाम कंपनी में जो मामला चल रहे होते हैं, जिन्हें एक्चुअली एक्टिविटी को परफॉर्म करना होता है, वो यही लोअर टायर बोर्ड कर रहा होता है, जिसे हम कह रहे हैं कि ये मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होता है। ठीक हो गया। दूसरे बार एक और मेंबर आता है या एक और कॉन्सेप्ट आता है, डेट इज योर कॉमन टेन्योर बोर्ड। कॉमन टेन्योर बोर्ड इज मोस्टली नॉट कंसीडर्ड विद द अल्टीमेट पावर और द ड्यूटीज ऑफ द बोर्ड, यानी आप इसके नाम से ये जज नहीं कर सकते कि इनका काम कोई पावर्स के लिहाज से, ये ऐसा बोर्ड होता है जो एक खास क्या कहते हैं टेन्योर के लिए इलेक्ट होता है। अब इसमें जो हमारी एग्जाम्पल आती है वो हमारी कैबिनेट की आती है, काबीना की आती है, कि 5 साल के लिए इलेक्टेड होती है, लेकिन उसमें इट डजंट मीन कि दैट 5 ईयर मस्ट बी कम्प्लीटेड एंड लेटर ऑन दैट बोर्ड विल बी कॉल्ड ऑफ। नहीं, उससे पहले भी हो सकता है कोई ऐसे हालात आ जाएंगे जिसकी वजह से काबीना को ख़त्म करना हो या कैबिनेट को पूरा ख़त्म करना हो, या ऐसे बोर्ड के अंदर चीज़ें डिफरेंट कंडीशन में या डिफरेंट सिचुएशन में चेंज करनी पड़े, तो ऐसे सारे हालात को कंसिडर किया जा सकता है। इसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट है, दैट इज योर स्टैगर्ड बोर्ड। स्टैगर्ड बोर्ड क्या होता है, पार्ट ऑफ द बोर्ड रिटायर्स आफ्टर स्पेसिफिक फिक्स्ड पीरियड। अब इसमें बात होता है कि ऐसा सिस्टम बनाया जाता है क्योंकि हम चाहते हैं कि कंपनी में कभी भी ऐसा वक्त ना आए कि देयर विल बी अल्टीमेट न्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी हर 5 ईयर के बाद हमने नए के 5 सारे लोग नए आ गए,
ऐसी सिचुएशन बड़ी हार्मफुल होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि जो नए बंदे आते हैं उन्हें काफी वक्त लग जाता है कंपनी की इनसाइट क्रिएट करना, ये कंपनी के बारे में जानने में या कंपनी के बारे में नॉलेज क्रिएट करने में। अभी सूरत हाल में हम सारी सिचुएशन से कैसे बच सकते हैं, इसमें सिंपल सा फिलोसफी होती है कि द हाफ मेंबर्स ऑफ द बोर्ड विल बी रिटायर्ड आफ्टर 3 ईयर आफ्टर 5 ईयर एंड द न्यू हाफ मेंबर्स विल बी इलेक्टेड एंड विल बिकम द पार्ट ऑफ द बोर्ड। यानी आधे लोग रिटायर हो जाते हैं और आधे वहीं पर रहते हैं। यूँ समझेंगे अगर लेट्स सपोज 5 साल का अर्सा है तो 2.5 साल तक एक 2.5 साल बाद एक पार्टी या हाफ मेंबर्स रिटायर हो जाएंगे, बाकी हाफ मेंबर्स रहेंगे। तो जब न्यू मेंबर्स आते हैं तो उनसे क्या होता है कि वो मेंबर जो कि रह चुके होते हैं उनका अभी भी 2.5 साल का अर्सा चल रहा होता है। ड्यूरिंग दैट 2.5 ईयर्स दैट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बोर्ड will start to guide the new members, will train them, will let them know that what will be the problematic situation for the company, what are the advantages, what will be the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the company. This sari situation, ye sari baaton ko guideline provide kar deta hai hamara staggered board system, jisme half members baaki naye aane wale half ko bata dete hain ki ye is tarah company chalti hai. And after 2.5 years, the already existing members will be retired and the new member will become the old member and another new member will become the part of the board. Fine. Iske baad humare paas concept aata hai, types of balances in board. What sort of balances we may require in the board? Hume kis kisam ka mutawazun ya tawazun kaim karna chahiye board? Pehla jo balance hai, balance on board mein. Balance on board in it, as we may say that it is basically related to the numbers, kitne members hain. Ab yahan pe member ka ek hamesha yaad rakhiyega ki it is not possible that the board of directors will not create any sort of affiliation friendship within the board. Ye ho hi nahi sakta, ye natural phenomena hai ki board ke members ek dusre ke dost ban jate hain, ek dusre se affiliation ho jati hai, एक दूसरे के ख्याल करने लग जाते हैं, एक दूसरे के काम आने लग जाते हैं। तमाम सिचुएशंस को टैकल करना इज बेसिकली द मेजर ड्यूटी ऑफ द ऑफ द इलेक्शन और ऑफ द एग्जिस्टिंग मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। अब अगर हम ऐसी सिचुएशन लाएं कि लेट्स सपोज 20 का बोर्ड हो जिसमें एटलीस्ट 10 लोग आपस में आ जाएं, वो बेहतर आपस में डिस्कशन कर लें, बेहतर फैसला लेने की ताकत रखें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद हमारी अगली डिस्कशन जो है वो है बैलेंस ऑन रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन डजंट मीन दैट द पार्टी विल नॉट बी रिप्रेजेंटिंग द शेयर होल्डर्स और द इक्विटी होल्डर्स ऑफ द कंपनी ओनली। इट मे बी लाइक दैट there will be a member that will be represented the SECP, there will be a member that is representing the debt holders of the company, there will be a member in the board that will be the independent director, there will be a member within the board that is fulfilling the duties of the Pakistan Stock Exchange for the listation activity. So representation ka matlab doesn't mean ke wo shareholders ko represent nahi karna, that nahi kar raha. इसका ये मतलब है कि कौन किस बारे अथॉरिटी या किस सोर्स ऑफ फंड्स को या किस सोर्स ऑफ डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है बोर्ड के अंदर। दूसरी हमारी बात है बैलेंस ऑन टैलेंट एंड एबिलिटीज। इट शुड नॉट बी लाइक दैट एवरीवन विद इन द बोर्ड शुड हैव द सेम टैलेंट और द स्किल। इफ यू वॉन्ट टू बिकम यू वॉन्ट टू क्रिएट अ डाइवर्सिफाइड बोर्ड, all the members of the board must have their different attributes, different skills, different duties, different experiences, different educational level, etc. All that stuff will create the diversity within the board, and that board will make the decision that will be fruitful for an organization. Later on we have the balance of powers. यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर्स का मतलब क्या है कि जो जो इख्तियारात जो जो उन्हें पावर्स दी जा रही है इन ऑर्डर टू टेक द डिसीजन फॉर द बेनिफिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, उस पावर के अंदर कभी भी एक्सेसिव पावर ना आ जाए या डेफिशिएंसी ना आ जाए।
एक्सेसिव पावर का मतलब क्या है कि किसी को इतनी अथॉरिटी दे दी जाए कि दैट पर्सन विल टेक द डिसीजन व्हाट एवर सॉर्ट ऑफ डिसीजन ही इज विलिंग टू टेक, और ना कभी इतनी कम ड्यूटी दे दी जाए दैट पर्सन विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू से समथिंग विद इन द बोर्ड. यानी देयर शुड बी सर्टेन बैलेंस, देयर शुड बी सम इन्वॉल्वमेंट, देयर शुड बी सम इक्विलिब्रियम विद इन द बोर्ड, यानी जिसमें मतवाजन रहे बोर्ड. ऐसा बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन के बड़े काम आ सकता है. ठीक है, बैलेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड व्यूज. अब यहाँ पे एट्रीब्यूट्स और व्यूज का कॉन्सेप्ट क्या है कि वही बात है कि जो हम जहाँ पे या व्यूज का कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं. व्यूज का कॉन्सेप्ट है कि नजरिया किस, व्हाट सॉर्ट ऑफ आइडियोलॉजी आप बोर्ड मेंबर में प्रेजेंट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द बोर्ड. यहाँ पे जब वो अपना एक नजरिया अपनी बात करेगा उस नजरिए के को कोई टैकल करने वाला आदमी लाजमी होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नजरिया गलत है तो दैट पर्सन विल स्टार्ट टू टैकल विल गिव द आर्ग्यूमेंट कि हाउ आई व्हाई आई एम नॉट कंसीडरिंग दिस डिसीजन एज अ फ्रूटफुल, व्हाट सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टीज दैट अ कंपनी विल फेस. देयर शुड बी अ पर्सन हु विल गिव द अदर साइड ऑफ द मेरिट, अदर साइड ऑफ द इमेज. यानी हमें एक शक्ल ना दिखाए दूसरी साइड को भी हमें बता दे. एट्रीब्यूट्स में एक और बात यहाँ पे लाजमी आती है कि आप लोगों के पास जो भी बोर्ड के मेंबर्स हों उनमें कोई एक क्या कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस लेवल में डेविएशन लाजमी, एक्सपीरियंस लेवल में डेविएशन लाजमी है, एजुकेशनल लेवल में डेविएशन लाजमी है, नॉलेज लेवल में डेविएशन लाजमी है. ऑल दैट स्टफ विल क्रिएट अ बोर्ड दैट विल बी वेरी balanced for an organization. That board will take the decision that will be very fruitful for an organization. और तब हम जब balance, हर चीज में हम balance create करते हैं, कहीं पे excessive और deficiency के concept नहीं लेके आते, ऐसा board organization के बड़े काम आ जाता है. Later on we have the topic that is causes of absence in balance. क्या क्या वो अवामिल हैं, what will be the attributes, characteristics or features That is creating absence in balance. यानी वो कहते हैं कि ये मतवाजन नहीं है इस बोर्ड के अंदर, एक दूसरे के लिए या एक काम मिलजुल कर काम करने के लिए excessive power है या deficiency of power है. The first one is your absence of knowledge to participate meaningfully. You should have the knowledge about any project that the company is going to start within the forthful future. अगर कंपनी ने कोई project start करना है तो उसके बारे में कंपनी को चाहिए कि members को इन इंटीमेट करें कि सर हम ये प्रोजेक्ट ये एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, आर यू रेडी टू परफॉर्म इट. ऐसा ना हो कि उस अगले बंदे को उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी ना मालूम हो. अगर ऐसी सिचुएशन होगी दैट पर्सन विल गिव द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द प्रोजेक्ट एंड दैट मे बी वेरी डैमेजेबल और द लॉसफुल फॉर द कंपनी. एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. अब यहाँ पे सबसे बारी पहली बात यह आती है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वो हमेशा डिसीजन मेकिंग लेते हैं क्योंकि दे नो दैट वी आर इलेक्टेड थ्रू शेयर होल्डर्स. लेकिन जब हम बात करें अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को बोर्ड इलेक्ट कर रहा होता है ताकि आप हमें ओवरव्यू करें. अब ऐसा बंदा इफ दैट पर्सन विल गिव द आर्ग्यूमेंट दैट विल बी अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट और द फीलिंग्स ऑफ द एग्जिस्टिंग मेंबर्स, तो उस सूरत हाल में कहेंगे कि सर आप जो चाह रहे थे कि हम ये काम ना करें या एक काम करें इससे तो कंपनी को नुकसान होगा. और अगर वो कुछ ज़्यादा बात करेगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कुछ ज़्यादा बात करेगा, उस सूरत हाल में जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं वो उसे नेक्स्ट 3 ईयर टेन्योर पीरियड के बाद निकाल देंगे. लेकिन एक बात याद रखिएगा कि SCCP सिचुएशन को जानता है और ट्राई करता है कि ऐसी तमाम सहूलियात और वो फैसिलिटीज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को प्रोवाइड कर ले जिसके बिना पर वो अच्छा डिसीजन और अच्छे आर्ग्यूमेंट और अच्छा टैकल कर सके बोर्ड के डिसीजंस को. ठीक है, एब्सेंस ऑफ करेज टू डिफर. अब यहाँ पे अक्सर ऐसा भी होता है कि बोर्ड के मेंबर्स में 5 लोग एक बात कर रहे होते हैं बट द सिक्स्थ मेंबर स्टार्ट्स टू से कि सर ये गलत हो रहा है. अब जब आप बाकी 5 मेंबर्स उसे देखते हैं कि वी आर रेडी, वी हैव नो आर्ग्यूमेंट एंड दैट पर्सन इज गिविंग द डाइवर्स
पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो कहते हैं नहीं सर फिर सॉरी हम आपके पास आते ही नहीं। ऐसी सिचुएशन के अंदर आपके लिए ये तमाम चीज़ों को मैनेज करना, तो उन्हें टैकल करना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि जो भी बोर्ड के मेंबर्स होते हैं वो कहीं पे भी एक दूसरे से आर्ग्यू नहीं करते, और जैसे ऐसे डिसीजन भी ले लिए जाते हैं जो कि क्लियर कट ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रूटफुल नहीं होते, बेनिफिशियल नहीं होते, ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉस का बाइस बनते हैं। इन तमाम सूरत हाल में यू शुड हैव द करेज टू डिफर। ऐसे बोर्ड जिनके अंदर कोई करेज ना हो वो बोर्ड ज़्यादा अरसे तक ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स को क्रिएट नहीं कर सकते। Now we have another topic, that is your board meeting. Board meeting means that how frequently, how and when the board, when the board are conducting the meeting in order to discuss the matters of the company. जब board की meeting होती है उसमें एक बात याद रखिएगा कि हमने ये बात confirm करनी होती है कि meeting का क्या है। Means अगर कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें आपको लगे कि board members पॉसिबिलिटी के अदर देन AGM डेट मीटिंग विल बी पोस्टपोन, आप AGM के अलावा उस मीटिंग को पोस्टपोन कर देंगे। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि इट विल बी वेरी बेनिफिशियल और फ्रूटफुल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स करेंगे, जिसमें डिफरेंट मैटर्स जैसे कि बजट कमेटी की मीटिंग या ऑडिट कमेटी की मीटिंग या इस तरह के जो मामलात होते हैं उनको डील किया जाए और अच्छा डिसीजन मेकिंग कर लिया जाए ऑन द स्पॉट और एट बिफोर द टाइम ऑफ फेसिंग एनी प्रॉब्लम। ठीक हो गया। उसके अंदर फ्रीक्वेंसी एंड प्रिपरेशन फॉर मीटिंग, यानी क्या किस किस वक्त आपने मीटिंग करनी है। अब आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म कर देते हैं कि सर मंथली मीटिंग होगी, क्वार्टरली मीटिंग होगी, सेमी एनुअली होगी या सिर्फ एनुअल होगी। ऑलवेज रिमेंबर के एनुअल से ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, यानी दो साल वाली मीटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि SECP की रिक्वायरमेंट्स हैं कि फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट वन टाइम विद इन वन फाइनेंशियल ईयर होनी चाहिए। उसके बाद प्रिपरेशन फॉर द मीटिंग, इसमें हमारे जो पहला कॉन्सेप्ट क्या आता है कि देर शुड बी अ प्रॉपर मिनट्स ऑफ द बोर्ड ऑफ द मीटिंग, यानी किस मकसद के लिए हुई है वहाँ पे उसी मिनट्स को सामने लाएंगे कि सर ये अवामिल हैं जिसकी वजह से बोर्ड की मीटिंग बुलाई गई है, अब आप अपना वोट दें ताकि हम इस प्रोजेक्ट को परसू कर सकें या उसे हम रिजेक्ट कर सकें। सिग्निफिकेंट इश्यूज प्लेस इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड, अगर हमें लगे कि जी कंपनी को मर्ज हो जाना चाहिए, कंपनी को किसी ऐसे मेजर प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कंपनी को किसी दूसरी कंपनी को अक्वायर कर देना चाहिए, एक सिग्निफिकेंट इशूज़ हैं मतलब अहमियत के हामिल मसाइल हैं जो कि बोर्ड फेस करता है, तो इन तमाम मामलों को देखना भी बोर्ड की मीटिंग में ज़रूरी होता है। गुड बोर्ड प्रैक्टिसेस, ऐसी क्या क्या काम बोर्ड करे कि जो कि वो काम अच्छे हों, अच्छे इन अ सेंस कि वो बेहतर हों ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एक्टिवली कंट्रीब्यूट, इफ यू वांट टू से समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द बोर्ड और इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग इन द डिसीजन मेकिंग, आपको वो करना चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ करके सामने हुए बैठे रहेंगे बोर्ड में तो आप अच्छे डिसीजन को, हो सकता है कि जो डिसीजन हो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा से ऑर्गेनाइजेशन को बचा सकता हूँ। रिटर्न प्रोसीजर टू परफॉर्म एक्टिविटीज, देयर शुड बी रिटर्न प्रोसीजर, आपने तमाम चीज़ें पहले से इन्फॉर्म करनी है, रिटर्न फॉर्म में बता देनी है कि हम ये सारे काम करने वाले हैं और इसके बाद ये मीटिंग को हम कंटिन्यू करेंगे। सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन टू न्यू डायरेक्टर, इफ देयर विल बी न्यू इलेक्शन, न्यू डायरेक्टर, न्यू रिक्रूटमेंट और इवन इन द न्यू एंट्री ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, दैट पर्सन मस्ट बी इन्फॉर्म्ड थॉरली अबाउट द कंपनी, कंपनी के बारे में A to Z बता दिया जाना चाहिए। स्वॉट एनालिसिस उसके सामने मीटिंग में कंडक्ट करने चाहिए और उस बंदे को पता चल जाए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं एंड थ्रेट्स क्या हैं। उसके बाद है सेम लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, इट शुड नॉट बी लाइक कि बोर्ड के मेंबर्स को पता ही नहीं है कि जी क्या होने वाला है। अगर आप मिनट्स बनाते हैं या कोई फाइल क्रिएट करते हैं, ऑल द मेंबर्स विल बी गिवन अ कॉपी ऑफ दैट, उस कॉपी के अंदर तमाम अवामिल या वो तमाम एजेंडा जो मीटिंग में डिस्कस होने वाले हैं वो बारे पहले ही बता दिया जाता है। पोस्ट फैक्टो अप्रूवल ऑफ एक्शंस ऑलरेडी टेकन बाय मैनेजमेंट, अब यहाँ पे कुछ ऐसे डिसीजन भी थे कि जिसके लिए जो हमें फौरी तौर पे लेने पड़ गए लेकिन हमने उसकी अप्रूवल नहीं ली, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जब भी मीटिंग होती है तो उन तमाम फैसलों को की तौसी ली जाती है, यानी उसको अप्रूवल दे दी जाती है। उसके बाद चेयरमैन शुड टेक द डिसीजन अबाउट द एजेंडा ऑफ मीटिंग, चेयरमैन शुड बी कंसीडर्ड द सुप्रीम पार्टी टू टेक द डिसीजन, यानी वो बंदा जो
ऑर्गेनाइजेशन में या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एग्जेक्टिव सीट में वो बंदा अच्छा डिसीजन ले सकता है। उसके बाद बोर्ड मस्ट इन्फॉर्म फंक्शंस ऑफ न्यू एवरी न्यू कमेटी। अच्छा, जब भी आप कोई नई कमेटी बनाएंगे किसी खास मकसद के लिए, तमाम मकासद को, उसके मेंबर्स को, उसकी तमाम ज्यूरिडिक्शंस को, उसकी रिस्ट्रिक्शंस को, तमाम के तमाम मवामिल को आपने दिखा देना है, बता देना है बोर्ड के मेंबर्स को। उसके बाद रोल ऑफ चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, यानी बोर्ड जिस बोर्ड के अंदर रोल चेयरमैन का क्या रोल है। पहली बात है रनिंग द बोर्ड, वो उसका मेजर काम ही सही यही है कि वो बोर्ड को चला रहा है, मतलब उसके अलावा ये काम कौन करता है। उसके बाद है चेयरिंग द मीटिंग, तो सब का बात जो डायरेक्टर करता है कि वो मीटिंग में बैठा रहता है। इट इज बेसिकली द ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर टू स्पीच द पार्ट ऑफ द मीटिंग। उसके बाद हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है, चेयरिंग। अच्छा, adequately and timely information to director. If you have the information, chairman को मालूम हो गई है वो चीज़ें चाहिए, वो director को भी पहले तो बात है वो information दे। That person is considering himself as a superior one in that case. Even in that case, that person must be informed that what sort of agenda or what sort of information will be discussed in the board meeting. ताकि जो भी बंदे आए उन्हें पता हो ये बात होने वाली है, हम इस काम में ये जवाब देना है, इसमें हमारी ये रिजर्वेशन है या इसमें हम इस बात को अप्रिशिएट करना चाहते हैं। उसके बाद है ब्रिज बिटवीन बोर्ड एंड द शेयर होल्डर्स। जो चेयरमैन होते हैं क्योंकि वो उन्हें बोर्ड ने सिलेक्ट किया होता है, बोर्ड पे से सिलेक्ट किया होता है शेयर होल्डर्स ने, तो इन द एट द एंड ही जो हमारे डायरेक्ट हमारे जो क्या कह सकते हैं चेयरमैन होते हैं, उन्हें बोर्ड के उन्हें शेयर होल्डर्स और बोर्ड के दरमियान एक ऐसा ब्रिज के फॉर्म में काम करना चाहिए। डेट ब्रिज कैन बी लाइक कम्युनिकेशन चैनल, वो तमाम बातें जो आपको लग रही हो कि एक दूसरे बोर्ड को पहुंचानी चाहिए वो आप उन्हें इन्फॉर्म करेंगे। इवेल्युएटेड बोर्ड इवेल्युएटिंग बोर्ड्स परफॉर्मेंस, आपको जब लगे कि बोर्ड की परफॉर्मेंस कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, इन तमाम इवेल्युएशन को चेयरमैन ने डील करना होता है। रिजॉल्व इश्यूज ऑफ द बोर्ड एंड द शेयर होल्डर्स, इफ देयर विल बी एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम दैट द शेयर होल्डर्स और द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर फेसिंग, दैट रिजॉल्व दैट इशू और दैट प्रॉब्लम मस्ट बी रिजॉल्व। रोल ऑफ सीईओ, चेयर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का क्या रोल होता है। मैनेजमेंट मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स एंड ऑपरेशन ऑफ द कंपनी, यानी तमाम मामला को मैनेज करना और तमाम कंपनी के ऑपरेशन को, ऑपरेशन जब भी नाम आया करे, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू और इन्फॉर्म यू इन द प्रीवियस लेक्चर्स के ऑपरेशन का मतलब विद इन वन फाइनेंशियल ईयर कंपनी की एक्टिविटीज को कहा जाता है। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ द कंपनी को मैनेज करना वो सीईओ की ड्यूटी है। गेट द रिपोर्ट फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट, तमाम डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मंगवाना कि साल में हमने क्या किया या इस टेन्योर के अंदर हमारी क्या क्या परफॉर्मेंस रही है, उन तमाम रिपोर्ट्स को जमा करना सीईओ की जिम्मेदारी होती है। रन कंपनी एज अ प्रेस्क्राइब्ड बाय बोर्ड, बोर्ड ने जिस जो जो बातें फैसले किए हैं सीईओ उन हिसाब उस हिसाब से कंपनी को चलवाता है। ठीक है, ड्यूअलिटी ऑफ ऑफिसर चेयरमैन एंड सीईओ, यहाँ पे मैंने पहले आप लोगों से डिस्कस किया है कि इन सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन चीफ डायरेक्टर प्रेजिडेंट चेयरमैन सीईओ ऑल द पार्टीज कैन बी अ सिंगल पर्सन, लेकिन ड्यूअलिटी ऑफ ऑफिस का मतलब क्या है कि एक बंदा दो ऑफिस चला सकता है, तो हम उसे कर देते हैं। तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, पहला बेनिफिट होगा स्पीड अप द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, क्योंकि हम होता है ना एक मेंबर सीईओ का भी नहीं आया, अभी डायरेक्टर ने अप्रूवल देना है, फिर अब डायरेक्टर ने अप्रूवल दिया तो अभी प्रेसिडेंट ने अप्रूवल देना है। जब हमारे पास हम एक ही बंदे को सारी अथॉरिटीज दे देंगे हमारी डिसीजन मेकिंग क्या हो जाएगी, स्पीड अप हो जाएगी, एक बंदा ही सारे डिसीजन लेने लग जाएगा। सेव कॉस्ट ऑफ द कंपनी, क्योंकि हमने एक ही बंदे को सारी ड्यूटी दे देते हैं तो उसके अंदर जो बंदों को हमने लाख लाख की सैलरी देने की, एक बंदे को हम वही लाख सैलरी इवन ज्यादा से ज्यादा 1,20,000-30,000 दे देंगे कि आप दो ड्यूटीज कर रहे हैं तो आपको उसका 1,00,000 आपकी सैलरी थी, 30,000 आपको एडिशनल रेमुनरेशन दे रहे हैं। तो जब आप दो लोगों को दो ड्यूटीज देते हैं, 9% विल बी रेडी टू बिकम द पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर 1,00,000। तो अब इस सिचुएशन में हमें क्या लगता है कि एक बंदे को आपने थोड़ी सी ज्यादा बेनिफिट दिए और लेकिन काम उससे दो लोगों का करवा रहे हैं। उसके बाद है कंडक्ट अफेयर्स इफेक्टिवली, तमाम मामलात को जल्दी हिसाब से सही तरीके से वो कंडक्ट करा देते हैं। इट क्रिएट्स एक्स्ट्रा लेयर ऑफ आंसरेबिलिटी, क्योंकि जब एक बंदा दोनों पावर्स को या दोनों ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहा होता है तो वो आंसर अपने आप को खुद दे रहा होता है कि मैं कहाँ पे सही डिसीजन लिया एंड वेयर I went wrong.
चेयरमैन शुड बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वी ऑल हैव द आइडिया कि चेयरमैन कभी भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के अलावा कोई नहीं हो सकता है, मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो कभी हो ही नहीं सकता। उसकी रीजन ये है कि अगर वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाता तब क्या करेगा, इनके फैसलों के खिलाफ क्या करेगा, ठीक हो गया। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ CFO, कंपनी सेक्रेटरी CFO को अपॉइंटमेंट करना, ये जिम्मेदारी है बोर्ड की। अपॉइंटमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस की जाती है कि सर ये आपकी सैलरी, ये आपका स्टेटस, ये आपकी डेजिग्नेशन, ये आपकी ड्यूटीज और ये आपकी टर्म एंड कंडीशन जिसमें यू आर रेडी टू बिकम पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्वालिफिकेशन मोस्टली यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट होती है या MBA होती है। ऑलवेज रिमेंबर कि जो हमारा कंपनी सेक्रेटरी और CFO होता है उसमें CFO के लिए MBA फाइनेंस होना लाजमी है या वो CA किया हो उस बंदे ने। अब जो पाकिस्तानी स्नैरियो की बात किया जाए तो ICMA के पेपर जो होते हैं वो भी दे के उसकी क्वालिफिकेशन को भी कंसीडर किया जाता है। रिक्वायरमेंट ऑफ द अटेंडिंग मीटिंग, द CFO एंड कंपनी सेक्रेटरी आर रिक्वायर्ड टू अटेंड ऑल द मीटिंग्स ऑफ द कंपनी एंड दैट इज द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।